वैक्सीनेशन के लिए सभी प्रदेश तैयार हैं। आइए कैसे कैसे तैयारियां की गई हैं वो भी बताते हैं, और उसके बाद हमारे साथ जो डॉक्टर मौजूद हैं उनके पास जाएंगे, डॉक्टर सुरेश कुमार और रजनीश कपूर के पास। लेकिन क्या तैयारियां की गई बताते हैं। उत्तर प्रदेश में 16 जनवरी से 852 सेंटर्स पर टीकाकरण होगा। टीकाकरण की तैयारी है, टीकाकरण की शुरुआत 3000 बूथ से होना है। 1500 की पहचान हो चुकी है। सभी वैक्सीन सेंटर पर 25 कर्मचारी तैनात रहेंगे, यानी हर वैक्सीन सेंटर पर 25 कर्मचारी होंगे। पहले 9 लाख हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। ये उत्तर प्रदेश की जानकारी है। उत्तर प्रदेश में पहले 9 लाख हेल्थ वर्कर्स हैं जिन्हें वैक्सीन लगेगी, और उनकी सूची लिस्ट तैयार हो चुकी है, वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंचाई जा चुकी है। अमोद हमारे साथ मौजूद है, और ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। अमोद, वैक्सीनेशन सेंटर्स पर क्या ये जो 9 लाख कर्मचारी हैं, क्योंकि इसकी हम बात कर रहे थे अभी, डॉक्टर रजनीश भी ये कह रहे थे कि टाइमलाइन का पालन करना जरूरी है, बेहतर है कि ये निर्धारित किया जाए कि इतने समय में हम फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेट कर लेंगे। तो सभी प्रदेश तैयारियां करें, उत्तर प्रदेश की तैयारियां भी पूरी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सारे प्रदेशों को पहले ही एहतियातन ये इतला कर दिया गया था कि आप अपने तरफ से तैयारी रखें, और सारे प्रदेश भी इसमें आगे बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, और केंद्र सरकार इसमें एक तरह से ड्राइवर की भूमिका निभा रही है, फ्रंट सीट पर बैठी हुई है। और जिस तरह से इंस्ट्रक्शन यहाँ से पास किया जा रहा है, खास करके स्वास्थ्य मंत्रालय और प्रधानमंत्री ऑफिस से कोऑर्डिनेशन हो रहा है, उसका पूरा पालन हो रहा है इसमें देखने को मिल रहा है अब तक। और यही वजह है कि जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स, खास करके डॉक्टर, नर्स और जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, उनको सबसे पहले जो दिया जा रहा है, 16 तारीख से ड्राइव शुरू हो रहा है, 3 करोड़ लोगों को जिनको वैक्सीन दिया जाना है, तो उसमें ये खबर सरकार की तरफ से छन कर आ रही है कि उनको मुफ्त वैक्सीनेशन मिलेगा। लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि सरकार की तरफ से नहीं की गई, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि उनको मुफ्त वैक्सीनेशन मिलेगा। ये एक बड़ी खबर अब तक निकल कर आ रही है इस पूरे ड्राइव में, लेकिन ये एक अभी कहना जल्दीबाजी होगा कि जानकारी मिल रही है, शुरुआती जानकारी ये मिल रही है। उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसा हो, क्योंकि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उन्हें ऐसी जानकारी मिल रही है कि शुरू में 3 करोड़ वैक्सीन लगने वाली है वो फिलहाल, और आगे फैसला बाद में लिया जाएगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो फ्री हो सरकार की तरफ से। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।